आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार डेयरी इंडस्ट्री में दूध की STST यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चुराइजेशन किस तरह की जाती है, और साथ ही जानेंगे लेट हीट एक्सचेंजर क्या है और इसके कौन कौन से वेरियस सेक्शन हैं। दूध की पास्चुराइजेशन करने के लिए PHE यानी प्लेट हीट एक्सचेंजर पास्चुराइजर का यूज़ किया जाता है। प्लेट हीट एक्सचेंजर एक स्पेशल टाइप का मिल्क पास्चुराइजर होता है जिसमें स्टेनलेस स्टील से बनी कई प्लेट्स और फ्रेम होती हैं। इन प्लेट्स का सरफेस कोरुगेटेड यानी नालीदार होता है जो कि दूध के फ्लो की टर्बुलेंस को बढ़ा देता है जिससे हीट ट्रांसमिशन बढ़ जाती है और दूध की यूनिफॉर्म हीटिंग और कूलिंग हो जाती है। इन प्लेट्स की थिकनेस लगभग 0.5 से 1.25 mm और एक से दूसरी प्लेट के बीच का गैप लगभग 3-6 मिलीमीटर रहता है जहाँ रबड़ गास्केट लगी होती है जो लीकेज को प्रिवेंट करती है। इन प्लेट्स को बोल्ट्स के द्वारा टाइट किया जाता है और पूरा सेट फ्रेम से कवर होता है। इन प्लेट्स के बीच प्रोसेस फ्लूड यानी दूध और सर्विस फ्लूड जैसे हॉट वाटर या चिल्ड वाटर अल्टरनेट फ्लो करता है। प्लेट्स और फ्रेम के ये ग्रुप मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ये सेक्शन है हीटिंग सेक्शन, रीजनरेशन सेक्शन, कूलिंग सेक्शन। हीटिंग सेक्शन में प्लेट्स के बीच हॉट वाटर फ्लो करता है। ये हॉट वाटर हीटर से आता है जो कि स्टीम द्वारा गर्म किया जाता है। स्टीम इनपुट ऑटोमेटिक स्टीम कंट्रोलर वॉल्व के द्वारा कंट्रोल की जाती है। पास्चुराइजर के अंदर लगभग 80-85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का हॉट वाटर एंटर होता है। यह सेक्शन दूध का पास्चुराइजेशन टेम्परेचर यानी 72 डिग्री सेल्सियस अचीव करता है। रीजनरेशन सेक्शन पास्चुराइजर का सबसे बड़ा सेक्शन होता है। रीजनरेशन सेक्शन में सबसे ज़्यादा प्लेट्स होती हैं। दूध की एंट्री सबसे पहले रीजनरेशन सेक्शन में होती है। रीजनरेशन सेक्शन पास्चुराइजर का एनर्जी एफिशिएंट सेक्शन है। रीजनरेशन सेक्शन एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज़्यादा रीजनरेशन सेक्शन होने का मतलब है कि पास्चुराइजर ज़्यादा एफिशिएंट या ज़्यादा एफिशिएंसी वाला है। PHE पास्चुराइजर की एफिशिएंसी जनरली 90-95% के बीच रहती है। रीजनरेशन जनरली 2 कैटेगरी के होते हैं, हीटिंग रीजनरेशन और कूलिंग रीजनरेशन। कूलिंग सेक्शन यह सेक्शन पास्चुराइजेशन टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस अचीव करने पर लगभग 15 सेकंड तक होल्डिंग ट्यूब में होल्ड करने के बाद उस दूध को इमिडिएटली 4 डिग्री के नीचे ठंडा करने के काम आता है। इस सेक्शन में प्लेट्स के अंदर चिल्ड वाटर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस पर फ्लो करता है। यह चिल्ड वाटर चिलर द्वारा किया जाता है। हाई विस्कस प्रोडक्ट्स में वाटर के साथ ग्लाइकोल का मिक्सर भी यूज किया जाता है जो कि चिल्ड वाटर से लगभग 2-3 गुना ज़्यादा ठंडा होता है। हीटिंग सेक्शन दूध में मौजूद सभी पैथोजन को मार देता है और कूलिंग सेक्शन फिर से पैथोजन की ग्रोथ होने से प्रिवेंट करता है। पास्चुराइज दूध फिर पास्चुराइज स्टोरेज टैंक में डाल दिया जाता है जहाँ से वह फर्दर प्रोसेसिंग या पैकेजिंग सेक्शन में जाकर पाउच या बोतल में फिल हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।